Assalamualaikum, welcome to my channel जायका जिंदगी विद राहिला। आज मैं आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में कंप्लीट नाश्ता जिसमें पूरी, आलू की तरकारी, छोले और हलवा बनाना सिखाऊंगी, जिसको आप स्पेशली वीकेंड्स पर बना सकते हैं ताकि सब घर वाले मिलकर खा सकें। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले पूरियों के लिए मैदा गूंदेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है। उसके बाद 1 चम्मच नमक और 1/2 कप घी। उसके बाद हम इसको थोड़े थोड़े पानी डाल के इसको अच्छी तरह गूंदेंगे। इसको इस तरह गूंदे ताकि ये ना सख्त हो ना नरम। मैंने अब ये देखो अच्छी तरह घोल दिया है। इसके पेड़े बनाने के लिए मैंने ये प्लेट लिए, उसमें मैं थोड़ा सा इस पर हल्का सा घी लगा दूंगी ताकि ये पेड़े इस पर चिपके ना। इसे इस तरह करके इसको थोड़ा थोड़े से घी लगा के पेड़े बना के रखते जाए। अब सारे पेड़े बनाकर इनके ऊपर घी लगा देंगे ताकि ये पेड़े खुश्क ना हो। अब इसको किसी भी प्लास्टिक से कवर करके 1 घंटे के लिए रख दें। तब तक हम दूसरी चीजें तैयार करते हैं। चलिए पहले आलू की तरकारी बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने 2 अदद आलू जिनके मैंने पीसेस कर लिए हैं, 2 गिलास पानी के डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए। पानी डालने के बाद इसकी आंच को तेज कर देंगे। उसके बाद 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च डाल के इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको 10 मिनट हो गए हैं, आलू गल चुके हैं। अब हम इसकी आंच को थोड़ा कम करेंगे और मेशर से मैश करेंगे ताकि कुछ आलू मैश हो जाएं और कुछ साबित रहें। अब हम इसमें 1/2 चम्मच कलौंजी डालेंगे। इसके बाद 1/2 चम्मच अचार का डालकर घुमाएंगे। अचार से इसका अच्छा जायका आता है, आप कोई भी अचार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 1-2 मिनट के पकाने के बाद आप इसकी आंच बंद कर दें और ये हमारी अच्छी सी तरकारी बन गई है। अब हम छोले तैयार करेंगे जो लोग पूरियों के साथ बहुत शौक से खाते हैं। उसके बाद 1/2 कप ऑयल का डालेंगे। उसके बाद प्याज, प्याज को डाल के अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अब हम इसको तब तक पकाते रहेंगे जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन ना हो जाए। अब ये ब्राउन हो गए हैं, इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1/2 चम्मच हल्दी। उसके बाद इसके ज़रूरत पानी डालेंगे ताकि ये मसाला हमारा जले ना। अब इसके 2-3 मिनट के बाद इसमें 1/2 पाव छोले जो मैंने अच्छी तरह बॉयल कर लिए थे इसमें डाल दूंगी उसी बॉयल पानी के साथ। इसकी आंच थोड़ी तेज कर दूंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। उसके बाद 1/2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च,
और आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल के इसको अच्छी तरह घुमाएं। चलिए जी, अब ये छोले तैयार हो गए, इसकी आँच को बंद कर देंगे। उसके बाद खुशबू और जायके के लिए थोड़ा सा सूरी मेथी डाल देंगे ताकि इसका जायका अच्छी तरह आए। अब ये छोले बिल्कुल तैयार हो गए हैं, इनको साइड पे रख के हम हलवा की तरफ चलते हैं। अब हलवा बनाने के लिए एक कप घी डाल के इसमें दो तीन अदर इलायची के डाल के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अब ये घी गर्म हो गया, अभी इसमें एक कप सूजी का डालूंगी, इसको घुमाने के बाद थोड़ा सा चुटकी भर जर्दे का रंग डालेंगे ताकि इसका कलर आ जाए हलवे का। अब इसको अच्छी तरह भूनेंगे फुल आंच पे। देखिए इसका कलर अच्छी तरह आ गया है। अब इसको चूल्हे से उतार कर इसमें गिलास दो गिलास पानी का डाल देंगे। अगर ये चूल्हे पर ही इसमें हम पानी डालेंगे तो इसका धुआं उठेगा, पानी डालने के बाद इसमें हम एक कप चीनी का डालेंगे। इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, इसको आप तेज आंच पे घुमाते रहें। इसका कलर भी अच्छा आ गया और हलवा भी तैयार हो रहा है, कि आंच थोड़ी कम कर दें। अब इसको 10 मिनट हो चुके हैं, अब ये मज़ेदार खुशबूदार हलवा तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी पूरियों की तरफ। अब सबसे पहले जो हमने पेड़े बना के रखे थे उसकी पूरियां बना के इसको पहले हम बेलेंगे। अब मैंने एक कढ़ाई ली है और इसमें इतना घी डाला है कि इसमें पूरी अच्छी तरह डिप हो जाए, और घी को मैंने अच्छी तरह गरम कर लिया है। ये देखिए ये मजेदार और नरम पूरी बन गई, प्लेट में निकाल दें। अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब हम इन सबको एक थाली में डालकर सर्व कर सकते हैं। भरपूर मज़ेदार सी थाली तैयार हो गई है, अब आप इसको ट्राई करें और घर में सबको खिलाएं। मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।